चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अभिवादन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में। मैंने आपको वादा किया था पीछे जो आपको कुछ हमने वीडियोस दिए थे उसमें बताया था कि 25 और 26 ऑफ दिसंबर को क्या खास होने वाला है, और मैंने बताया था कि जैसे जैसे टाइम पास में आएगा मैं इस पर बहुत आपको विवेचन दूंगा जो पूरी तरह से डिग्रीज पे प्लैनेट्स के जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उस पर आधारित होगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो फिक्टिशियस हो या जो इमेजिनेटिव हो या कुछ भी बोल दिया जाए, नॉट लाइक दैट। आपको बारी बारी से मैं बताऊंगा कि आखिर क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, आखिर भूकंप आ सकता है तो क्यों आ सकता है, आखिर स्टॉर्म्स आ सकते हैं या सुनामी आ सकती है तो क्यों आ सकती है या नहीं आ सकती है, कितने परसेंट चांस होंगे इसके, या अगर युद्ध शुरू हो सकता है तो कैसा हो सकता है, या पब्लिक डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं तो कितने हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। तो हम बारी बारी आपको और चीज बताने वाले हैं। आज ये पहला वीडियो है सीरीज का, और आज मैं आपको बताने वाला हूं भूकंप के बारे में। भूकंप आ सकता है क्या, क्या परिस्थितियां हैं, प्लैनेट्स की ऐसी क्या पोजीशन बन रही है जो इसके लिए हमें सोचने को मजबूर कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मैंने आपको जो प्लैनेट्स का मूवमेंट चलेगा वो बताया है। तो आज है 14 दिसंबर, और 14 दिसंबर को मैंने आज सुबह ये सभी चार्ट्स तैयार किए। काम तो हमारा बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन जो प्लैनेटरी पोजीशन है उसके चार्ट्स आज हमने ये मॉर्निंग में सभी चार्ट्स निकाले। जो काम चल रहे हैं वो पीछे से, लेकिन जो स्थितियां बन रही है प्लैनेट्स की वो आज ये हमने सुबह 6:49 पे निकाले। बेस बनाया है प्रयागराज नैनी, नैनी बताया 8230 जो हमारी देशांतर रेखा है वहीं से गुजरती है, भारत का वो सेंटर माना जाता है 8230, तो उसी के आधार, उसी को आधार हमने ले लिया है। आधार कहीं का भी ले लो, प्लैनेटरी पोजीशन तो बदलेगी नहीं, वही रहेगी, कहीं का भी आप ले सकते हो, दुनिया में किसी जगह का ले लो प्लैनेटरी पोजीशन तो वही रहेगी। तो अब क्या स्थिति है जरा देखते हैं ध्यान से, इसमें हम आपको बताते हैं। देखिए, आज की डेट में जो आज 14 तारीख है, 14 तारीख की डेट में जो हमारे प्लैनेट्स की पोजीशन है वो कुछ इस तरह की है, देख सकते हैं। यह है वृश्चिक स्कॉर्पियो, जिसमें सन और मरकरी मौजूद है आज की डेट में। सन 27-36 डिग्री पे है, इसका मतलब है ये ट्रांजिशन की तरफ जा रहा है, यहां जाएगा, जिसको सेजिटेरियस कहते हैं धनु राशि में। और मरकरी 1241 पे है, ये अनुराधा नक्षत्र में है मरकरी, और जो सन है वो हमारा 27-36 पे है ज्येष्ठा नक्षत्र में। अगर हम सेजिटेरियस की बात करें धनु की, तो धनु में इस समय चार ग्रह मौजूद हैं, जुपिटर मौजूद है, केतु मौजूद है, सैटर्न मौजूद है और वीनस मौजूद है। अगर हम तुला की बात करें, इससे जो प्रीसीडिंग हाउस है, तो उसमें मार्स है और वो 22-14 पे 22-14 डिग्री पर है। तो ये स्थिति बन रही है प्लैनेटरी पोजीशन, मैक्सिमम ग्रह यहीं पर इकट्ठे हो रहे हैं, और जो जेमिनी है उसमें मून और राहु। चलिए अब हम आपको आगे धीरे धीरे बताएंगे कि कैसे बढ़ रहा है। ये आज की स्थिति है 14 दिसंबर, 6:49:42 पे हमने ये निकाला था। अब क्या है ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम यहां जुपिटर को ले लेते हैं। जुपिटर यहां है 08:24 पे और सन है 27-36 पे। जुपिटर के बारे में यह है कि जब कभी यह सूर्य से 11 डिग्री दूर होता है, तो जैसे जैसे पास आता जाता है यह कंबस्ट होता चला जाता है। 11 से शुरुआत होती है यह, और फिर लगातार यह कंबस्ट होता चला जाता है। तो आज से हम कहें तो जुपिटर कंबस्ट हो गया, अस्त हो गया, प्रभावहीन जिसको कहते हो, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेगा यह सन के पास जाएगा वैसे वैसे प्रभावहीन होता चला जाएगा। आगे देखते हैं, यह आज की स्थिति है, यह 16 दिसंबर की स्थिति। 16 दिसंबर को क्या होगा देखते हैं। 16 दिसंबर को जो सन है, आप देख रहे हो ये सूर्य
वो सेजिटेरियस में आ जाएगा। 16th of December को ये 23:59 रात को 23:59, इसका मतलब 11:59 का हमने बनाया है चार्ट पूरे दिन का जो घटनाक्रम हुआ उस आधार पे, तो ये 00:21 16 तारीख को सन पहुंच गया काय में, सेजिटेरियस में। जुपिटर भी वहीं पर है, केतु भी वहीं पर, सैटर्न भी वहीं पर, लेकिन जो वीनस था यहां पर साथ में, ये देख लिए वीनस जो 28:11 पर था उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, वो ट्रांसफर होके पहुंच गया आपका में मकर राशि में, अपने नेचुरल फ्रेंड जो शनि है उसकी राशि में चला गया 132 पे। ये 16 दिसंबर की घटना है। आगे देखते हैं 24 दिसंबर को क्या हुआ, पहले मैं घटनाक्रम बता देता हूं फिर मैं आगे आपको बताऊंगा क्या पॉसिबिलिटीज है। 24 दिसंबर को अगर हम देखें तो यहां पर सन जुपिटर देखिए और पास 8:30 पे सन है और जुपिटर 10:52 पे है, केतु सैटर्न ये चार ग्रह हो गए और मरकरी वृश्चिक में। ध्यान से देखिए इस बात को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये मैं इस पे बताने वाला हूं आपको, ये एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है हमारे इस वीडियो का। मून और मरकरी ये जो 20, 37 और 28, 59 डिग्री पे क्रम से है, मून 20, 37 पे है और मरकरी 28, 59 पे। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि मून की जो गति है वो मरकरी की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। आपको पता है मरकरी जहां एक महीना लेता है लगभग एक राशि को कवर करने में, वही जो अपना मून होता है वो 2.5 दिन में ही कवर कर देता है, उसको 2.5 से भी कम समय लेता है। तो क्या हुआ कि यहां से मून इसको ओवरराइड, इससे आगे निकलने की कोशिश करेगा अपनी स्पीड के आधार पे। तो यहां 28:59 पे मून है और 20:37 पे, 28:59 पे और 20:37 पे मून मरकरी की स्थिति है, मून है 20:37 पे और मरकरी है 28:59 पे। क्लियर हो गया, चलिए यहां सन केतु सैटर्न की स्थिति हो गई, ऑपोजिट गए तो राहु अपने नक्षत्र में उसमें स्थित है। पता है आपको कि जेमिनी में बहुत अच्छी स्थिति होती है राहु की, ब्रश इसको टॉरस कहते हो और जेमिनी दोनों में इसको उच्च की श्रेणी मिली हुई है, तो इस तरह से ये बहुत ही पावरफुल है, जिसको नोड कहते हो आप, नॉर्दर्न नोड एंड सदर्न नोड, ये दोनों ही नोड्स बहुत ही पावरफुल है 14-15 पे। ध्यान से समझिए एक एक बात को, इसका एस्पेक्ट है सीधा इस हाउस पे सेजिटेरियस पे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4 ग्रह ये हैं, साथ ही साथ राहु का भी यहां पर एस्पेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 26 दिसंबर को जैसे ही हम आए वैसे ही देख लीजिए आप कि यहां कौन कौन, सैटर्न 26-35 पे, केतु 14-15 जो अभी बताया था, जुपिटर 11-12, सन 9:58, मून 9:58, मरकरी 1:13। 9:58 ये दोनों हमने इसलिए लिए एक साथ क्योंकि यहां पर ग्रहण पड़ना है, क्योंकि एक ही एंगल पे एक ही डिग्री पे आ गए। तो अब क्या है, ये मूल नक्षत्र में है, सब मूल नक्षत्र में है और ये पूर्वाषाढ़ इसके बाद वाला नक्षत्र, मूल जो है वो धनु राशि में 13-20 तक रहता है और उसके बाद आप पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हम प्रवेश कर जाते हैं। अब मूल नक्षत्र के बारे में कहा जाता है कि ये एक नरकती राक्षस था वो इसको लीड करता है और इस ये गंडांत नक्षत्र होता है, ये नक्षत्र गंडांत माना जाता है और इसका पहला चरण जो होता है वो ऑस्पिशियस नहीं होता है, बहुत ही जिसको आप इनिमिकल इफेक्ट्स देता है, खासकर पहले चरण के भी जो तीन घटी होती हैं शुरू की वो बहुत ही टिपिकल होती हैं, वो अच्छी नहीं मानी जाती हैं। तो उस हिसाब से जरा ध्यान से देखिए कि मरकरी जो है वो मूल में 1:13 पे है, अगर हम यहां इसी चीज को देखें तो यहां से हमारा आप देख सकते हो मरकरी और मून 29:41, 26:49, क्लियर है। इसका मतलब यह हो गया कि यहां से लगातार मून और मरकरी की निकटता बढ़ रही है। मून और मरकरी बार बार क्यों कह रहा हूं, पॉइंट को ध्यान से समझिए, इतना समझ में आ गया, ये तो चार्ट के बारे में है कि यहां 26 तारीख को ये 6 ग्रह हमारे एक साथ होने वाले हैं मूल नक्षत्र पूर्वाषाढ़ में। इन 6 के अलावा अगर हम प्लूटो को भी शामिल कर लें, प्लूटो की गणना यहां खासकर इंडियन एस्ट्रोलॉजी में शामिल नहीं की जाती लेकिन वेस्टर्न में इसको बहुत महत्व दिया जाता है, अगर प्लूटो को भी शामिल कर लें तो प्लूटो भी इनके साथ मौजूद है, तो इसका मतलब ग्रह हो गए 7। इसके अलावा इसके जो दृष्टि है बताया है राहु की है,
बिल्कुल स्टेट 180 की दृष्टि है और पावरफुल है, 14-15 पे सेंटर में है बिल्कुल। इसका मतलब पावरफुल दृष्टि हो गई बहुत ज्यादा। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ यह हो गया अष्ट ग्रही योग, सप्त ग्रही योग, षष्ठ तो आपको यह दिख रहा है छह ग्रहों का, सातवां कौन सा हो गया? प्लूटो हो गया, तो सप्त ग्रही हो गया। अगर इसमें हम राहु की भी दृष्टि डाल दें तो कितना हो गया? अष्ट ग्रही योग हो गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद यह हुआ कि चूंकि नोट्स भी इसके बहुत पावरफुल हैं, 14-15 के लगभग हैं, इसका मतलब बिल्कुल जिसको सेंटर कहते हो, जिसको युवावस्था का टाइम कहते हो, और ग्रह भी है जिसको आप सन इक्लिप्स कहते हो, वो भी है उसी समय, क्योंकि समय पड़ेगा 9:58 जो आप देख रहे हो 26 दिसंबर को। अब 26 दिसंबर को क्या परिस्थितियां बन रही हैं देखते हैं। देखिए हमारा जो अभी तक का हमने जो रिसर्च किया है वो ये है कि दुनिया के जितने भी जबरदस्त ट्रेमेंडस डेंजरस फियरफुल जितने भी अभी तक आए हैं भूकंप, वो उनमें से 55% से ज्यादा या तो पूर्णमासी के दिन, अमावस्या के दिन, उसके आगे पीछे आए हैं। कोई भी बड़ी से बड़ा अगर ले तो उसमें है। अरस्तु आज भी बहुत पहले हुए थे, अरस्तु ने भी ये कहा था, ये देखा गया है प्रायः कि जब ग्रहण होता है, उन्होंने चंद्र ग्रहण का नाम लिया था, तो पृथ्वी करती है, पृथ्वी पर भूकंप की परिस्थितियां पैदा होती हैं। जबकि टेक्टोनिक्स प्लेट जो हमारी है अलग अलग भागों में पूरे पृथ्वी को विभाजित किया है, वो धीरे धीरे 1 से 2 सेंटीमीटर के आगे पीछे होती है एक वर्ष में, बहुत कम उनकी स्पीड होती है, लेकिन अब उनकी स्पीड ज्यादा बढ़ रही है, तो मेन जो होता है कारण वो होता है। लेकिन उस कारण के अलावा जब कभी भी ग्रहों की स्थिति बनती है, जब एक दूसरे को ये ग्रेविटेट करते हैं, एक दूसरे के पावर को ये क्या करते हैं, डिरेल करते हैं, तो भी ये परिस्थितियां बनती हैं, कहीं कोई शक नहीं है। क्योंकि हमारे पासर जी ने तो तभी बोल दिया था, बहुत पुराना जब ये ज्योतिष लिखा था, कि जब कभी इनके फोर्स में आपस में अंतर आता है तो ये महत्वपूर्ण की परिस्थितियां बनाता है। अब देखो जो जो अर्थ को एक साथ हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका चंद्र की और बुध की। मैं चंद्र बार बार आपसे कह रहा था, अब ध्यान से देखिए, यहां चंद्रमा की स्थिति बन रही है वृश्चिक राशि में नीच की, मरकरी साथ में है और इनकी डिग्रीज देख लीजिए, बहुत कम अंतर इनका हुआ है, केवल और केवल लगभग 8 डिग्री का अंतर हुआ है। अब चंद्र आगे बढ़े निश्चित तौर पर, 24 दिसंबर है, टाइम है ये रात का टाइम है, तो अब परिस्थिति है कि ध्यान से समझिए खतरा शुरू होगा वो यहीं से लगभग होगा, जो आप ये अंतर देख रहे हो 24 से 28 रफली लगा के चलिए कि हमारा को एक खतरा शुरू होगा वो 24 दिसंबर को लगभग शाम के समय से शुरू होगा, लगभग शाम के समय से शुरू होगा। इनके बारे में एक और तथ्य कहा जाता है कि ज्यादातर जो अर्थक्वेक्स आते हैं वो या तो दोपहर से और शाम के बीच में आते हैं और या फिर आधी रात से और सुबह के बीच में आते हैं, मैक्सिमम जो आते हैं। तो इस हिसाब से आपने देखा होगा, ज्यादातर देख लीजिए कैलकुलेट करके, मैक्सिमम में यही आता है रिजल्ट कि जितने भयंकर किस्म के आते हैं वो या तो आधी रात से सुबह तक की स्थिति में और या फिर दोपहर से और शाम तक की स्थिति में आते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हम 24 दिसंबर से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मून और मरकरी दोनों की स्थितियां यहां से लगभग बन रही, क्योंकि यहां पे मून और मरकरी क्या स्थिति थी हम दोबारा से आपको बता सकते हैं। मरकरी यहां 1640 पे था, मरकरी 1640 पे था और मून की परिस्थिति यहां कहीं आसपास नहीं थी। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ यह हो गया कि यहां पे खतरा हमें नहीं था, 16 दिसंबर पे तो कोई खतरा ही नहीं, क्योंकि 16 दिसंबर पे तो जो परिस्थिति है वो यहां पे राहु रहा होगा और यही मून की स्थिति रही होगी। तो 16 दिसंबर को स्थिति नहीं, 24 दिसंबर को स्थिति क्या बनी कि मून और मरकरी एक साथ आ गए वृश्चिक राशि में। तो ध्यान रखिए
जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं अर्थक्वेक्स के लिए वो क्या है, ब्रश और वृश्चिक राशि के लिए बहुत जिम्मेदार होती है। अगर यहां पर कॉन्फिगरेशन हो, अगर यहां पर एसोसिएशन हो प्लैनेट्स का, तो समझ लीजिए कि 80% चांस बन जाते हैं। हम क्या देख रहे हैं कि ब्रश और वृश्चिक में तो नहीं है पूरा का एसोसिएशन, किसमें है, अगली राशि में है जिसको आप कहते हो धनु राशि, अग्नि तत्व है। और ज्यादातर ये जो रिसर्च निकल के आया वो ये है कि या तो वो जो राशि होनी चाहिए या जो एस्टेरिज्म उसका होना चाहिए जिसको आप नक्षत्र कहते हो, वो या तो वायु तत्व का हो और या फिर पृथ्वी तत्व का हो। तो ये यहां पर एक महत्वपूर्ण हमें रिलीफ मिल रहा है कि धनु राशि में जो नक्षत्र है धनु राशि में वो पृथ्वी तत्व को बिलोंग नहीं करता है, पृथ्वी तत्व को बिलोंग नहीं करता, वायु तत्व को नहीं, अग्नि तत्व है धनु राशि। क्लियर हो गया? अब इसका अर्थ यह हो गया कि यहां जो वृश्चिक राशि है उसमें मून और मरकरी जैसे ही आया तो मून नीच का हो गया, मरकरी के पास आ गया, तो यहां से परिस्थितियां 24 तारीख से लेके और कहां तक, ध्यान से देखिए, 26 तारीख मून और मरकरी की स्थिति यह है कि अब मून पहुंच गया 9 पे और मरकरी है 113 पे, अभी भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में, तो निश्चित तौर पर 24 तारीख से यह परिस्थिति शुरू होगी और 27 तारीख तक यह परिस्थिति बनी रहेगी, क्योंकि मून जैसे जैसे आगे ड्रिफ्ट होता चला जाएगा वैसे वैसे ये परिस्थितियां कमजोर होती चली जाएंगी, वैसे वैसे ये परिस्थितियां कमजोर। वैसे तो प्रोसीडिंग और सक्सीडिंग होता है, जब भी ग्रहण होता है तो ये परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन चूंकि यहां पर मरकरी और मून ड्रिफ्ट होते चले जा रहे हैं आपस में, इसलिए परिस्थितियां 27 के बाद डिप्लीट होती चली जाएंगी। मैं नहीं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं रहेंगी, बिल्कुल नहीं, परिस्थितियां चलेंगी लेकिन उनमें कमी आती चली जाएगी। सबसे ज्यादा जो परिस्थिति है वो 24 तारीख से लेकर और 27 तारीख भूकंप की परिस्थिति है, उसके बाद कम होती चली जाएंगी और अभी भी बहुत कम रहेंगी। क्लियर हो गया? केवल भूकंप की बात कर रहा हूं, बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, अगले वीडियो में बताऊंगा मैं, अभी केवल और केवल भूकंप की। अब भूकंप की परिस्थितियां क्यों बन सकती है, चलिए ध्यान से देखिए। यहां हमने देखा आपको सन 958 पे, मून 958 पे बिल्कुल, और साथ ही साथ देखिए जुपिटर भी अस्त है, केतु के बिल्कुल पास में जो परिस्थिति बन रही है देखिए 14 और 9, राहु की जो दृष्टि आ रही वो भी 14-15 बिल्कुल पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो ये आपके 1, 2, 3, 4 और 5 पांच ग्रह ये बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट समझिए, अगला पॉइंट अगर हम ये समझे 26 तारीख का कि ये पूरा का पूरा एक आर्क में केवल 73 डिग्री के आर्क में है, इसका मतलब है राहु को केवल छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सब एसोसिएट हो रहे हैं 73 डिग्री के आर्क में। देख लीजिए आप यहां वीनस, मार्स और ये पूरे 9 ग्रह, जहां पे 73 डिग्री के आर्क में हो रहे हैं, यही परिस्थिति कभी थी जो हमारे, मैं आपको बता देता हूं कुछ उदाहरण जो आए थे पीछे अर्थक्वेक्स, उनमें भी यही परिस्थिति थी, 73 के आर्क में ही थे वो और उनमें 6 ग्रहों का योग था। 1 सितंबर 1923, 1 सितंबर 1923 टोकियो याकोहामा, योकोहामा में ये आया था और यहां पर लगभग 140,000 लोग खत्म हुए थे। विशेष बात क्या थी, वो लूनर इक्लिप्स था, तो लूनर इक्लिप्स के समय जो हमने रिसर्च किया है ज्यादा ये प्रोन टू अर्थक्वेक्स होता है इन कंपेरिजन टू सोलर इक्लिप्स, सूर्य के में हो, चूंकि ये अच्छी बात है कि ये अभी सोलर इक्लिप्स है लूनर नहीं है। तो देखिए पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि ये लूनर इक्लिप्स है, हम कम से कम 10% इसमें तुरंत खत्म कर देंगे चांसेस। दूसरा, ब्रश या वृश्चिक में नहीं है कॉन्फिगरेशन, दोबारा से कम 15% फिर कम कर देंगे 25%। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या हुआ, ब्रश वृश्चिक तीसरा है कि वायु तत्व में या पृथ्वी तत्व में नहीं है, फिर दोबारा से कम 10% इसके लिए खत्म कर देंगे 35%। तो 35% की पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई, इसका अर्थ क्या हो गया कि अर्थ को एक आने का 65% तक चांस बचा है। अब वो 65% का टाइम, तो टाइम
24 दिसंबर को, 24 दिसंबर से शुरू होता है। अब 24 दिसंबर से ये टाइम हमने लिया है रात का, तो आप मान लीजिए कि 20 37 28 है 8 डिग्री का, अगर 10 डिग्री का हम ले ले तो लगभग मान लीजिए 7 बजे 7 पीएम से लगभग लगा लीजिए, अंदाज बता रहा हूं। 24 तारीख है तो पूरी इंक्लूडेड, लेकिन मैं और उसे पॉइंटेड बनाना चाहता हूं। अगर वो 6 बजे आया तो ये मत कहिए आपने तो 7 बजे बताया, डोंट से लाइक दैट। परिस्थितियां बता रहा हूं कि नियर, बिल्कुल पास, नियर बाई क्या क्या हो सकती है। तो ये लगभग 7 बजे से परिस्थिति बन सकती है 24 दिसंबर से, और ये निरंतर बन सकती है क्योंकि 26 तक ये है परिस्थिति, मून और मरकरी पास में है। इसका अर्थ क्या हो गया कि लगभग और लगभग आप मान लीजिए 27 तारीख का समय 27 तक। देखिए अर्थक्वेस जो होते हैं उसमें चार महत्वपूर्ण ग्रह जिम्मेदार होते हैं, उसमें सूर्य, उसमें मंगल, उसमें जुपिटर, उसमें सैटर्न। ये जुपिटर और सैटर्न क्यों लिए गए, क्योंकि ये बड़े ग्रह होते हैं, बड़े ग्रह होते हैं तो इनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा है, समझिए ध्यान से। तो सूर्य, मंगल, बृहस्पति और चौथा बताया मैंने सैटर्न, ये चार जिम्मेदार होते हैं। अब इसके साथ दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि इसमें चंद्र और मरकरी इन दोनों का या तो एसोसिएशन हो आपस में, या एक दूसरे के एस्टेरिज्म में हो, एक दूसरे के जिसको आप कहते हो नक्षत्रों में हो, ठीक है। अब यहां तो वो एक साथ ही है, वो पर्टिकुलर एक ही नक्षत्र में भी आएंगे क्योंकि मूल नक्षत्र रहेगा इनका, मूल नक्षत्र के बारे में बता ही चुका हूं। पहला चरण उसका खतरनाक होता है और उसमें भी तीन घटी पहले की बहुत खतरनाक होती है, वहां से दोनों गुजरेंगे निश्चित तौर पे। और यहां पर भी आप देख रहे हैं कि मूल नक्षत्र में चार चार ग्रह हैं, सब मूल है, देखिए जुपिटर, सन, मून एंड मरकरी, बाकी पूर्वाषाढ़ में है दो। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि मूल नक्षत्र भी हो गया, मरकरी और मून का कंबिनेशन होना चाहिए वो भी हो गया, ग्रह होना चाहिए वो भी हो गया, फिर साथ साथ ये कंबस्ट भी है, देख लीजिए हम जुपिटर को भी देख सकते हैं, हम वही परिस्थिति मून की भी देख सकते हैं और मरकरी की भी देख सकते हैं, लगभग अस्त है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये टाइम बहुत ही फेवरेबल है अर्थक्वेक्स के लिए, ऐसे में अर्थक्वेक आते हैं, क्योंकि यह भी एक कारण है, बता चुका हूं कई कारण हैं अर्थक्वेक्स के, देर आर मेनी रीजंस, उसमें टेक्टोनिक प्लेट्स भी हैं, तो उसमें प्लैनेट्स का ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें भी अंतर आना है, तो फिर उसमें यह भी है मैन मेड प्रॉब्लम्स हैं, मैन मेड प्रॉब्लम्स का मतलब नीचे इस तरह से खुदाई कर दिया गया, डिगिंग कर दिया गया और बुरी तरह से पृथ्वी को इंबैलेंस कर दिया गया, वो भी कारण है, और भी कई कारण हो सकते हैं, कोई उल्कापात आके मीटेराइट जिसको कहते हो टकरा जाए वो भी कारण है, तो कई कारण हो सकते हैं इसके, आपके हाइड्रोजन बम या जिसको आप कहते हो परमाणु बम, इनका जबरदस्त उससे आप वो करो प्रयोग करो जो बहुत ज्यादा हाई उसके हैं प्रभावों के, उनका करो, उससे भी भूकंप आ जाएगा, तो वो सब भूकंप के कारण है। लेकिन इस समय मैं आपको केवल और केवल बता रहा हूं कि इस समय जो प्लैनेटरी पोजीशन है तो निश्चित तौर पर 73 के आर्क में स्थित है, कई कंडीशन पूरी हो रही है, मरकरी और मून का बहुत जैसा होना चाहिए वैसा ही एसोसिएशन हो रहा है, चारों ग्रह जो जिनके नाम लिए सैटर्न हो चाहे जुपिटर हो चाहे मार्स हो चाहे सन हो, केवल मार्स को छोड़ दीजिए, मार्स इनसे अलग है, तो मार्स अलग है तो इसके भी कम से कम हमें 5% और पॉसिबिलिटी कम कर देनी चाहिए, तो 40% पॉसिबिलिटी कम हो गई। इसका अर्थ यह हो गया कि 60% तक पॉसिबिलिटी है अगर किसी पर्टिकुलर एंगल से ग्रेविटेशनल फोर्स ने अट्रैक्ट किया तो पृथ्वी उसे छूती नहीं रहेगी, भूकंप आने की परिस्थिति बन सकती है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं भाई, अगर हम आपको यह नहीं बताएं तो भी आएगा तो क्या करोगे, वो तो आना है तो आना है, मैं आपको केवल प्लैनेटरी पोजीशन बता रहा हूं कि कितना चांस है, 60% चांस, क्योंकि चार चीजें हमने खत्म की हैं। पहला कौन सा किया कि यह सूर्य ग्रहण है चंद्र ग्रहण नहीं है, दूसरा कौन सा किया कि इसमें ना तो वायु राशि है और ना पृथ्वी राशि है, तीसरा हमने आपको कवर किया कि इसमें मंगल साथ नहीं है क्योंकि चार ग्रह उसके लिए होते हैं, और लास्ट जो फिनिशिंग टच देता है वो मून देता है।
तो मून तो है निश्चित तौर पे, मरकरी भी है, मून नक्षत्र में भी है, यह बात सही है, और नीच का भी है आपका चंद्रमा वृश्चिक में, ये सब चीजें हैं, परिस्थितियां बन रही हैं, लेकिन 40% कम करके 60% तक बन रही है। तो ये मैंने पहले आपको दिया है के बारे में, इसमें बहुत लंबा रिसर्च किया है, आप विश्वास कीजिए, इसमें हम आपको बता सकते हैं जो जो हमने बेस बनाए हैं वो हमारे जाने माने जितने अभी तक के हुए हैं ज्योतिषाचार्य, उनका हमने सबका विवेचन लिया, साथ ही साथ एक स्टडी ली, साथ ही साथ जितने भी भूकंप सबके डिटेल्स लिए, चाहे वो गर्ग संहिता हो, नारद संहिता हो, चाहे वो आपका बृहद संहिता हो, इनको सबको लिया, और जो पीछे अभी तक कहा गया है, चाहे वो रूस की विवेचना हो, चाहे मद्रास यूनिवर्सिटी की विवेचना हो, चाहे अरस्तु क्या हो, कई चीजों को शामिल किया है, तब मैं इस पूरे के पूरे डिटेल को बना के और आपके पास बता पा रहा हूं। ब्रश और वृश्चिक वाला एक पॉइंट बताया था, चार पॉइंट्स आपको बताए थे जिसके कारण ये माइनस स्थिति, रिपीट कर दूं दोबारा से जिससे आपको पता रहे, एक तो ब्रश वृश्चिक में ये एसोसिएशन नहीं हो रहा है, दूसरा चंद्र ग्रहण नहीं है, सूर्य ग्रहण है उससे पॉसिबिलिटी कम, तीसरा ये वायु तत्व और पृथ्वी तत्व नहीं है उससे कम, तो इस और चौथा मंगल साथ नहीं है उससे कम, तो ये चार पॉसिबिलिटीज है जिसके कारण इनको रिड्यूस करके 40% जो संभावना बनती है वो 60% की बनती है। अब वो 60% भी कब घटित होगा वो भी मैंने आपको बता दिया, 24 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है किसी बड़े भूकंप के आने की। अब इसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स और पूर्व इफेक्ट्स होते हैं, ध्यान रखिए, भूकंप लगातार आते रहेंगे, आ सकते हैं इन प्रभावों से, लेकिन जो इमीडिएट प्रभाव है वो मैंने आपको बताया। अब ऐसा मत करिए कि 29 तारीख को भूकंप आया, आपके आपने तो 27 तारीख तक संभावना बताई, ये संभावना ये परसेंटेज सबसे ज्यादा है। अब हो सकता है 29 को, 30 को, 1 को, या फिर 5 जनवरी को आ जाए, 8 फरवरी को आ जाए, हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पर ग्रहों का इस तरह का आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स का ट्रांसफर हो कि ऐसी परिस्थिति बन सकती है, क्योंकि देखिए ध्यान से, ये एंगुलर हाउसेस में या ट्राइन में, ये ट्राइन एंगुलर या फिर आमने सामने या फिर एक ही राशि में, चार परिस्थितियां बनती हैं जब भूकंप की परिस्थिति होती है। अब एक राशि में देखो ये बन रही, जैसे कि अभी धनु राशि में, ये भी हो सकता है कि आमने सामने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, ये भी हो सकता है। तीसरा, इनके एंगुलर हाउस में एक दूसरे का प्रभाव हो रहा हो, इसका मतलब एंगुलर में ये ग्रह हो। चौथा, ये ट्राइन में मौजूद हो, तब भी ये परिस्थिति बन सकती है। तो चार तरह से ये परिस्थिति बनती है, ये एक तरह का अभी जो है वो एक तरह का सहयोग चल रहा है, हो सकता है आगे चल के ऐसी परिस्थिति आए, हो सकता है कि पर्टिकुलर एंगल से ग्रेविटेशनल फोर्स प्रभावित करे और तब आ जाए। तो इसलिए ये मैंने आपको वो संभावनाएं बताई है कि किस टाइम से किस टाइम सबसे ज्यादा बड़े किसी भूकंप की संभावनाएं हैं, और ये जनरली ये आपके ईरान से लेकर, अगर हम इसको आर्क में लें तो ये ईरान से लेकर और ये लगभग जापान, इंडोनेशिया, इंडिया और ये सब क्षेत्र बीच में आ जाएंगे, पाकिस्तान वगैरह, इस आर्क में ये प्रभाव होना चाहिए। क्लियर हो गया? भूकंप तो किसी और भी जगह आ सकता है, हो सकता है वहां पे पर्टिकुलर पॉइंट को ग्रेविटेट करें, मे बी पॉसिबल, लेकिन इन क्षेत्रों में ज्यादा प्रभाव होने के चांस हैं। तो दोस्तों, ये केवल और केवल भूकंप के बारे में मैंने आपको विवेचन दिया, मैं एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको दूंगा। अब मैं आपको अगले वीडियोस बताने वाला हूं कि और क्या परिस्थितियां हो सकती हैं भूकंप के अलावा, सुनामी की परिस्थितियां हो सकती हैं, बहुत कोई लास्ट बहुत स्टॉर्म कोई आ सकता है, या फिर और क्या हो सकता है कि ये तो मानिए प्रभाव तो होंगे, क्योंकि जब ऐसी परिस्थिति आती है तो प्रभाव तो होते हैं, अप्रभावी नहीं हो सकती है परिस्थितियां, कैसे भी अप्रभावी नहीं हो सकता है, प्रभाव तो होंगे, लेकिन किस तरह के होंगे और क्या हो सकते हैं, मैं आपको लगातार वीडियोस देने वाला हूं, दिन प्रतिदिन के हिसाब से कोशिश करूंगा कि अब क्या एंगल बन रहा है, क्या परिस्थिति इसकी हो सकती है, क्या रिजल्ट हो सकता है। अगला वीडियो और इससे भी महत्वपूर्ण मैं देने वाला हूं, कैसी विश्व में अशांति होने वाली है, इसके कारण क्या क्या घटित होने वाला है, क्योंकि आज से गुरु नीच के हो गए, गुरु अस्त हो गए हैं, तो दोस्तों गुरु अस्त हो गए हैं आज से, हम आपको बताएंगे 11 डिग्री से सूर्य के ज्यादा पास आ गए। अगला वीडियो में आपको
अगले मुद्दे पर, महत्वपूर्ण इसी मुद्दे पर दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।